हेलो नमस्ते, आज का टॉपिक है हिम पुष्पा सिरप, सेकेंड सच्ची सहेली सिरप। इन दोनों सिरप में कौन सा सिरप बेस्ट है महिलाओं की समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए, जैसे कि शरीर में खून की कमी, एमसी पीरियड आए तो बहुत अधिक पेट में दर्द होना या बहुत अधिक हाई ब्लडिंग होना, या शरीर में खून की कमी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा सिरप बेस्ट है इसके बारे में जानेंगे। और हिम पुष्पा सिरप और सच्ची सहेली सिरप के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। अब इन दोनों सिरप को कब और कितना लेना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। और हिम पुष्पा सिरप और सच्ची सहेली सिरप को डॉक्टर किन किन हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन सिरप को पीने की एडवाइस देते हैं इसके बारे में जानेंगे। और इन दोनों सिरप को लेने के टाइम किस टाइप के प्रिवेंशन या किस टाइप की सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में जानेंगे। और इन दोनों सिरप को लेने के बाद किस टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार चैनल विजिट किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिम पुष्पा सिरप और सच्ची सहेली सिरप, ये दोनों सिरप महिलाओं की समस्याओं को दूर करने की बेस्ट सिरप है। इन दोनों सिरप का उपयोग महिलाओं के जो कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है उन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और इस सिरप का उपयोग सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष इस सिरप का उपयोग नहीं कर सकते। फर्स्ट मेडिसिन है हिम पुष्पा सिरप। हिम पुष्पा सिरप जनरल इन्फॉर्मेशन, ये सिरप आयुर्वेदिक सिरप है। जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, या इसके अंदर जो भी जड़ी बूटियां हैं वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक हैं। इसकी 450 ml की बोतल की MRP है 560 रुपये। सेकेंड 170 ml की बोतल की MRP है 270 रुपये। इसके अंदर टेबलेट भी पाए जाते हैं। अब हम हिम पुष्पा सिरप के ड्रग कॉम्बिनेशन इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि हिम पुष्पा सिरप के अंदर किन किन प्रकार के जड़ी बूटियां मिक्स है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है लोर्ध 750 मिलीग्राम, सेकेंड है मंजीठ 430 मिलीग्राम, तीसरा है अनंतमूल 430 मिलीग्राम, फोर्थ है बाला 320 ग्राम, फिफ्थ है गोखरू, सिक्स है ब्राही 320 मिलीग्राम, सेवंथ है शंखपुष्पी 320 मिलीग्राम, एट है अशोका 215 मिलीग्राम, नाइन्थ है मुसली 250 मिलीग्राम, टेंथ है मुलेटी 65 मिलीग्राम, इलेवंथ है अश्वगंध 150 मिलीग्राम, ट्वेल्व है दारू हल्दी 100 मिलीग्राम। हिम पुष्पा सिरप के अंदर ये सब जड़ी बूटियाँ मिक्स रहती हैं, इसी कारण आपके महिलाओं की जो समस्या होती है उन्हें दूर करती है ये सिरप। अब हम ये जानते हैं कि हिम पुष्पा सिरप का उपयोग कब कब किया जाता है, या डॉक्टर किन किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस सिरप की सलाह देते हैं इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है अनियमितता, सेकेंड है भूख न लगना, थर्ड है कमजोरी, फोर्थ है मूड परिवर्तन होना, फिफ्थ है खून साफ करना, सिक्स्थ है रूप निखारना, सेवन्थ है कठिन दिनों के दर्द को दूर करना, एट्थ है खून की कमी, नाइन्थ है चिड़चिड़ापन, टेंथ है हथेली व तलवे की जलन, इलेवंथ है हीमोग्लोबिन डिफिशेंसी, ट्वेल्व है हार्मोन्स इम्बैलेंस, तेरह है उदासी। यह टॉनिक गर्भाशय के समय, यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो जब भी इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसका मीनिंग है कि डिटेल में जानते हैं, इस टॉनिक का उपयोग आपको मासिक, जैसे कि एमसी पीरियड आ रहा है तो आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेट में दर्द दे रहा है, या आपका एमसी पीरियड महीना में आना चाहिए पर आपका एमसी पीरियड 15 दिन में आ रहा है या 14 दिन में आ रहा है, या आपका एमसी पीरियड एक महीने के बाद भी नहीं आ रहा है, 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन में आ रहा है, जब भी सिरप का उपयोग कर सकते हैं, या आपके शरीर में बहुत सारी कमजोरी, चक्कर आ रहा है, जब भी सिरप का उपयोग कर सकते हैं। ये है हिम पुष्पा सिरप के जनरल यूज़, हिम पुष्पा सिरप के डोज, साइड इफेक्ट और प्रिवेंशन हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। सेकेंड है सच्ची सहेली सिरप। इस सिरप के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। यह सिरप एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिक्स सिरप है। इस सिरप की 190 ml की बोतल की प्राइस है 215 रुपये। इसके अंदर टेबलेट भी मिक्स रहता है और सिरप भी रहता है। सबसे पहले हम हिम पुष्पा सिरप के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट मिक्स है, या किन किन प्रकार के जड़ी बूटियाँ मिक्स है इसके बारे में जानते हैं। सच्ची सहेली सिरप के अंदर 67 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिक्स है, जैसे कि अश्वगंधा, पिपली, ब्राही, अजवाइन, भूसमूल, अर्जुन, मुलेठी, आंवला, और भी जड़ी बूटियाँ मिक्स है, जैसे कि सतावरी, दसमूल, हल्दी, दारू हल्दी और अशोक। इस टाइप के ड्रग कॉम्बिनेशन मिक्स है सच्ची सहेली सिरप के अंदर। इसी सब ड्रग कॉम्बिनेशन के कारण आपके जो महिलाओं के जो समस्या होती है उसे दूर करती है।
अब हम ये जानते हैं कि सच्ची सहेली सिरप का उपयोग किन किन प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस सिरप का उपयोग करते हैं या डॉक्टर कब कब इस सिरप का यूज़ करने की सलाह देते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है कठिन दर्द, सेकेंड थकान, थर्ड कमर कटना, फोर्थ है चिड़चिड़ापन, फिफ्थ है कमजोरी, सिक्स है इम्यूनिटी लो, और कई प्रॉब्लम को दूर करता है जैसे कि सेवंथ है पेट सही टाइम पर न आना और एमसी पेट के टाइम हाई ब्लडिंग या कभी कभी कम ब्लडिंग होना या बहुत अधिक दर्द देना, पेट में दर्द, पेट में समस्या, खून की कमी, भूख कम लगना या सफ़ेद पानी आना, इन सब समस्याओं को दूर करता है सच्ची सहेली सिरप। सच्ची सहेली सिरप के डोज, प्रिवेंशन एंड साइड इफेक्ट, इन सब की जानकारी वीडियो के लास्ट में जानेंगे। अब हम ये जानते हैं कि हिम पुष्पा सिरप और सच्ची सहेली सिरप में दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में जानते हैं। इन दोनों सिरप में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बस ड्रग कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा चेंज है, नहीं तो इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं 70% दोनों सेम ही हैं। इसलिए इन दोनों सिरप के जो यूज़ हैं सेम ही हैं, इन दोनों सिरप के डोज भी सेम है और इन दोनों सिरप को लेने के टाइम जो प्रिवेंशन रखनी चाहिए वो भी सेम ही है और इन दोनों सिरप से जो साइड इफेक्ट होंगे वो भी सेम ही होंगे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों सिरप के डोज के बारे में जानते हैं। इन दोनों सिरप का उपयोग 15 साल के ऊपर की बच्चियाँ, टीनेजर बच्चियाँ इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं और 15 साल के नीचे की बच्चियाँ इस सिरप का उपयोग नहीं कर सकते। हमेशा इन सिरप का उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह से करें। जो टीनेजर बच्चियाँ हैं इसे 24 आवर्स में 2 ml लेना चाहिए और 1 tablet लेना चाहिए। जो एडल्ट फीमेल हैं उन्हें 24 आवर्स में 4 ml लेना चाहिए और 1 tablet लेना चाहिए भोजन के बाद। हिम पुष्पा सिरप और सच्ची सहेली सिरप लेने के टाइम किस टाइप के प्रिवेंशन या किस टाइप की सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। इन दोनों सिरप को हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से लें या किसी और की सलाह से कभी न लें और इन दोनों सिरप को लेने के टाइम हमेशा किसी प्रकार के अल्कोहल या ड्रिंक को अवॉइड करें या धूम्रपान को अवॉइड करें या किसी भी तरह की नशीली चीज़ों को अवॉइड करें और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और कम से कम बाहर का फूड कंज्यूम करें। जितना आप हेल्दी फूड कंज्यूम करोगे उतना ही आपके शरीर में बेनिफिट देखने को मिलेंगे इन दोनों सिरप से। और इन दोनों सिरप को कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। आप हिम पुष्पा सिरप ले रहे हो तो इसे हिम पुष्पा सिरप ही लीजिए और आप सच्ची सहेली सिरप ले रहे हो तो आप सच्ची सहेली सिरप ही लीजिए। इन दोनों सिरप को साथ में कभी नहीं लिया जाता। आप इन दोनों सिरप को ले रहे हो तो आपको किस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम या किस टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इन दोनों सिरप के टेस्ट न पसंद आने के कारण आपको वोमिटिंग, नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है या आपको एलर्जी देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपकी स्किन में रेडनेस, खुजली या आपका यूरिन पीला पड़ सकता है और आपका सिर दर्द भी दे सकता है। इस टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इन दोनों सिरप से, क्योंकि इन दोनों सिरप में आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है इसलिए इन दोनों सिरप से बहुत अधिक साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माई फ्रेंड।